समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने थाना जंघा और चौरी चौरा में पहुंचकर फरियादों की फरियाद को सुनते हुए उनके निस्तारण के निर्देश दिए। शनिवार को जंघा थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर कुल 9 मामले सामने आए, जिसमें 2 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया एवं 1 मामला जो पुलिस से संबंधित था जिसके निस्तारण के लिए टीम गठित कर रवाना की गई, व अन्य 6 प्रकरण राजस्व से संबंधित थे जिसके लिए राजस्व व पुलिस की टीम गठित कर निस्तारण के लिए मौके पर रवाना किया गया तथा SSP द्वारा थाना जंघा का औचक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें अभिलेखों व अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर थाने की कार्रवाई के में कार्यकुशलता लाने व थाना की साफ सफाई के लिए समस्त कर्मचारी गणों को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने थाना चौरी चौरा पर शिरकत की तथा इस मौके पर कुल 4 मामले आए, जिसमें 1 प्रकरण का तत्काल निस्तारण किया गया एवं अन्य 3 प्रकरण राजस्व से संबंधित थे जिसके लिए राजस्व व पुलिस की टीम गठित कर निस्तारण के लिए मौके पर भेजा गया। थाना चौरी चौरा का औचक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें अभिलेखों व अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर थाने की कार्रवाई में कार्यकुशलता लाने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, रवि कुमार अपना नंबर बता दो। मकार 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 मोबाइल नंबर बता दो। मकार मकार 48 200 88। अरुण कुमार तिवारी जी लेखपाल जी नंबर बताओ ना मोबाइल नंबर 8 5 7 7 8 3 9 3 1 2। और तो एक जरा लिख दिया तो वही इस तरह का मतलब बनाने का क्या मतलब है? अब उस समय सर ये बताया जाता है कि ये जो है बैठते ऊपर थे अधिकारी और पानी होने के लिए तो ये सेम बना हुआ, ऊपर से पानी है जहर वहर ना डाल दे। थाना समाधान दिवस था जिसमें सीनियर अफसर्स जाते हैं, तो इसी सिलसिले में जंघा थाने और चौरी चौरा दोनों थानों का भ्रमण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया, वहाँ की कार्यशैली देखी गई और थाने पे आए हुए जो जनता होती है उससे सीधा संवाद हो जाता है जिससे हमें ज़्यादा फीडबैक मिल जाती है। जंघा थाने में 9 मसले आए हुए थे जिसमें से तुरंत ही 2-3 राजस्व से संबंधित थे, 1 पुलिस से संबंधित था और बाकियों में संयुक्त टीमें बना करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है और प्लस थाने के भ्रमण में जो कमियां पाई गई उसके ऊपर कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। कार्यप्रणाली सुधारने के लिए वहाँ की जो बंदोबस्त है, सफाई व्यवस्था और बाकी चीज़ों को भी देख रेख की गई। सिमिलरली चौरी चौरा थाना जो एक ऐतिहासिक थाना है, अभी वहाँ पर 4 लेनिंग की वजह से उसकी मेन दीवार क्षतिग्रस्त है, तो वहाँ पर भी जा कर के वहाँ के रिकॉर्ड वगैरह देखे गए, वहाँ के जो रिकॉर्ड्स में जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको चिन्हित करने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।